एंजियोप्लास्टी होने के बाद चेस्ट पेन होने की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर एंजियोप्लास्टी के बाद आपको चेस्ट पेन हो रहा है, दिस हैज गॉट वेरी स्पेसिफिक कॉजेस। नंबर एक, रेसिडुअल ब्लॉकेजेस। कुछ और ब्लॉकेजेस थी जिसका इस सेटिंग में ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, वो परेशानी पैदा कर रहे हैं। नंबर दो, स्टेंट थ्रोम्बोसिस। कुछ लोगों में अनफॉर्चुनेटली स्टेंट डलने के बाद ये कॉम्प्लिकेशन देखा जाता है जो कि काफी डिवास्टेटिंग हो सकता है। इस केस में भी हार्ट अटैक जैसा चेस्ट पेन पेशेंट एक्सपीरियंस कर सकता है। तीसरा, नॉन कार्डियक चेस्ट पेन। नॉन कार्डियक चेस्ट पेन एंजियोप्लास्टी के बाद काफी लोगों को होता है। कई बार बहुत सारी दवाएं चलने की वजह से, गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम की वजह से भी पेशेंट चेस्ट पेन की कंप्लेंट करते हैं।